गरम धरम के घर आया नन्हा मुन्हा मेहमान। नन्हे मेहमान के आने से झूमा गरम धरम का आंगन। मासूम की झलक दिखाकर गरम धरम ने मांगी दुआ। अब ये सब सुनकर आपको क्या लग रहा है? यही ना कि धरम पाजी के फेवरेट पोते के घर आई नन्ही खुशी, यानी करण देवल के घर पर आई खुशखबरी। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगार्ग, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। धर्मेंद्र इस उम्र में भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। एक्टर आए दिन अपनी फोटोज वीडियोस फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं, कभी परिवार के साथ तो कभी पुराने दोस्तों के साथ। तो अब धर्मेंद्र ने अपने फैंस के साथ शेयर की घर पर आए नन्हे मेहमान की फोटो। दरअसल धर्मेंद्र ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में एक गाय की फोटो शेयर की है, जिसको हाल ही में एक बछिया हुई है। बछिया के घर आने से धर्मेंद्र काफी खुश है। उन्होंने अपनी इस खुशी को फैंस के साथ भी शेयर किया और फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दोस्तों, हम किसान पहले बछड़ा मांगते हैं, ट्रैक्टर आ गए, अब हम बछिया के लिए दुआ मांगते हैं, तो वो आ गई। धर्मेंद्र के इस सादगी भरे पोस्ट ने फैंस का दिल जीत लिया। हर कोई एक्टर के घर आए नन्हे मेहमान के आगमन के लिए उन्हें बधाई दे रहा है और देना बनता भी है। जनाब देखिए कितनी सुंदर है ये बछिया। धरम पाजी हर पल सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच अब हाल ही में धर्मेंद्र ने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी भी शेयर की। एक्टर ने बताया कि उनके घर पर एक नन्हा मेहमान आया है, जिसके बाद धरम पाजी की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये तो आप सब जानते हैं कि 88 के हो गए हैं धरम पाजी, लेकिन फिल्म में चकाचौन से दूर इन दिनों लोनावला में अपने फार्म हाउस में रहते हैं। उनका ये फार्म हाउस काफी पॉपुलर है। 100 एकड़ में फैले इस फार्म हाउस की कीमत करोड़ों में है, जहां धर्मेंद्र ऑर्गेनिक खेती करते हैं। एक्टर फैंस को अपने लग्जरी फार्म हाउस की भी झलक दिखाते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने अपने फार्म हाउस से एक फोटो शेयर करते हुए अपने घर आई खुशखबरी की बात बताई। हाउ क्यूट एंड स्वीट। वैसे धर्मेंद्र की वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 21 है, इसमें अगत सिंह नंदा और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार मेन रोल में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म साल 2025 तक सिनेमाघरों में आ सकती है। तो आपको इनकी नन्ही मेहमान कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही अपडेटेड न्यूज के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।